नमस्कार, मैं हूँ आपकी तनाजा दीवानी। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों की खबर। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। सुशील पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने का इस झड़प में 23 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन की मौत हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली पुलिस सुशील की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सुशील पर क्या आरोप लगे हैं, किस बात को लेकर विवाद चल रहा है, जिस रेसलर की मौत हुई है वो कौन था, सुशील और उनके परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कार्रवाई की है, आइए जानते हैं विस्तार से। पहले बात करते हैं क्या है पूरा मामला। 4 मई की देर रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। पुलिस के मुताबिक घटना रात में 1:15 से 1:30 के बीच स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 5 गाड़ियां खड़ी थी। इसमें सागर धनकर, सोनू महाल और अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान घायल हुए हैं। इसके दौरान सागर की मौत। सागर पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन और दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल का बेटा था। वही सोनू महाल गैंगस्टर काला चतेदी का सहयोगी है, उसे पहले एक लूट और हत्या मामले में गिरफ्तार भी किया था। अब बात करते हैं किस बात को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि सागर उसके दोस्त जिस घर में रहते थे सुशील उसे खाली करने का लगातार दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े की एक वजह टेंशन भी बताई जा रही है। गायब होने से पहले सुशील ने मामले में सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथी पहलवान नहीं थे। हमने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया था कि कुछ अज्ञात लोग हमारे परिसर में घुसकर झगड़ा कर रहे हैं। घटना के साथ हमारे स्टेडियम का कोई भी संबंध नहीं है। पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कार्रवाई की है उस पर भी बात करते हैं। पुलिस को घटनास्थल से 5 गाड़ियों के अलावा एक लोडेड डबल बैरल गन और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सुशील के साथी प्रिंस दलाल समेत 2 पहलवानों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। पूछताछ के बाद प्रिंस दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली NCR के साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी छापेमारी की है, लेकिन अब तक सुशील की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में सुशील के ससुर और कोच सतपाल समेत उनके घर वालों और परिचितों से भी पूछताछ की है। रविवार को पुलिस ने सुशील के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। सोमवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में स्टेडियम में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड सहित 17 कर्मचारियों से पूछताछ किया है। इनमें से अधिकतर ने सुशील और उसके साथियों के खिलाफ बयान दिया है। अब बात करते हैं क्या इस विवाद का सुशील के करियर पर भी कोई असर पड़ा है। इस विवाद के बीच सुशील को भारतीय कुश्ती संघ की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। हालांकि कुश्ती संघ के इस फैसले का सुशील से जुड़े विवाद का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। सुशील ने 2019 में विश्व चैंपियनशिप के बाद किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। लंबे समय से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं लेने के कारण कुश्ती संघ ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था। क्या सुशील से जुड़ा इस तरह का पहला विवाद है? क्या इसके पहले भी सुशील किसी विवादों में घिरे हुए थे या नहीं? दिसंबर 2017 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान सुशील कुमार और रेसलर प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। प्रवीण राणा ने सुशील पर भी मारपीट का आरोप लगाया था। सुशील के समर्थकों ने प्रवीण राणा के साथ भी मारपीट की थी। प्रवीण राणा के साथ मारपीट के आरोप में सुशील कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ केस भी हुआ था। 2016 में सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक का टिकट न मिलने पर नरसिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया था। 74 किरगा वर्ग के लिए नरसिंह यादव का सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन सुशील ने खुद को ओलंपिक में भेजने की पेशकश की थी। बाद में नरसिंह डोप टेस्ट में फेल हो गए और भारत की ओर से इस कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में दावेदारी पेश नहीं कर सका था। तो ये थी खास खबरों के लिए। बढ़िया खबरों की खबर, तब तक नमस्कार।